ये सबसे ज्यादा रोशनी है, इससे हो जाएगी रूम में आराम से। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी ये सारा सामान है जो अभी हम इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें अभी ये वॉल खाली चाहिए, और जो मिरर आया हुआ है ये अभी उल्टा रखा है, इसे हम लगाएंगे इस वॉल पे और हम करेंगे ये लाइट चेंज। हम लोग ट्यूब लाइट देखे, हमें येलो लाइट चाहिए थी, तो जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तब तक अभी हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। ये रेहान का आइडिया था, बोल रहा मैं एक्शन करूंगा, करके दिखाओ कैसे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबा के चाहो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। और आपने देखा कि हम लोग रूम में थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, मतलब कि फ्रेंड्स सिर्फ लाइट चेंज कर आई है क्योंकि हमें येलो लाइट चाहिए थी, व्हाइट लाइट थी, बहुत ही अलग कलर्स दिखते थे, तो इसलिए हमने उसमें येलो लाइट लगाई और छोटे मोटे चेंजेस करे हैं। फ्रेंड्स पता है क्या होता है, हम लोग 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, एक रूम पापा का है उसमें नो डिस्टर्बेंस, एक ये लिविंग रूम है और एक वो रूम है, अब आप उसे सबका बेडरूम कह लें, मतलब रेहान, रिजा, अम्मी, मेरा। हंस क्यों रहे हो, बताओ क्या हंस रहे हो? हम चार लोग एक रूम में। हाँ तो ऐसा होता है, तो थोड़ा सा अब पता है आप ब्लॉगिंग भी करते हो, फिर आपके PR के पैकेजेस भी आते हैं, आप उसको वहाँ पे रखना है, आपको एक स्पेस भी चाहिए इसमें आप अच्छे से वीडियो बना सको, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं। हम क्या चेंजेस करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी पता है क्या, रूम में थोड़ा काम चल रहा है, तो अभी अम्मी जो है किचन में नमाज पढ़ रही है, आपको दिख रही है? हाँ, अभी किचन में नमाज पढ़ी है और मैं अभी देखती हूँ, मैं पापा के रूम में पढ़ लेती हूँ जाके नमाज, उसके बाद हम आपसे लग रहा है। ये भी दोनों भेजे थे, बहुत अच्छा। ठीक है, आप क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? अच्छा लग रहा है भाभी का रिपीट टेलीकास्ट कराना पड़ता है भाभी के लिए। भाभी तो अच्छी है ये, लेकिन हाँ ये सूट भी बहुत अच्छा है, ड्रेस बहुत अच्छी लगी। हम दोनों को एक दूसरे के कपड़े पसंद आते रहते हैं, तो हम दोनों रोज एक दूसरे को देख के बोलते हैं अम्मी ये सूट अच्छा लग रहा है। अम्मी अभी मुझसे बात कर रही थी, मैं उनके दुपट्टे को देख रही थी, ये दुपट्टा बड़ा अच्छा है। अच्छा ना, ऐसे एक्सचेंज करते हो आप? कभी कभी कुर्ते ऐसे कहीं मेरे ना दिला तो कभी छोड़ना मत। अल्लाह कपड़े दिलाती है बेचारी बीबी का, बहुत सूट में दिलाती है, बस वो कुर्ते मेरे नाप के नहीं आते ना, तो बहुत मुश्किल से आते, तो मैं इसलिए बोल रही थी कि आए तो छोड़ना। हाँ, और देखिए हमारे घर में इतनी लेडीज है ना, उसका बहुत, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फॉर अ शॉपोहोलिक लाइक मी, मैं बहुत सारी शॉपिंग कर लेती हूँ और मुझे ये तसल्ली रहती है कि चलो जो भी मुझे पसंद है मैंने उठा लिया और सब अपने ही घर में जाएगा, क्योंकि इतनी सारी लेडीज है कोई ना कोई रख ही लेता है। ठीक है, तो फिर थोड़ा थोड़ा वजन कम कर लो, फिर ये साइज के पहन लो। ठीक है, ठीक है। मैच कर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उतर रहे हैं, जिनके शूज निकाले थे लेकिन वो उतर रहे हैं चलते हुए, मैंने ये देखा ही नहीं। कभी कभी कोई चीज़ जो ज़रूरी नहीं कि बहुत खूबसूरत हो, तो वो बहुत अच्छी हो, मतलब वो हमें बहुत फ़ायदा भी पहुँचा, उसका गलत भी हो सकता है, वही शूज़ में हुआ। शूज़ चेंज करने पड़ेंगे अम्मी, उतर रहे हैं। हाँ, मुझे पहले नहीं पसंद आ रहा। अल्लाह हाफिज़ भाई, कहाँ जा रहे हो? ऐसे नीचे। आप भी चलो हम लोग साथ शॉपिंग पे। नहीं, तुम रुक जाओ। क्यों भगते हो आप? नहीं जा रहे। अच्छा कभी चलोगे थोड़े दिन बाद? हाँ बात तो ठीक है। ये पहन ले, ठीक है, अभी कोई मिल नहीं रही थी। एक और बार फाइनली ऑटो में जाने का मौका मिल गया। कुछ हम लोग तो फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लोखंडवाला जा रहे हैं। मैडम शॉपिंग करा ली यार। तो गोल्ड बटन आ गया ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में, उसके लिए हम लोग कुछ तो सेलिब्रेशन करेंगे किया था, मतलब मेरी मर्जी थी कि सब थोड़ा सा ग्रैंड टाइप पहने, मतलब एक तरह का कोट कैसे बोल सकते हो उसे, मैडम को एक थीम चाहिए और उनको थोड़ा ऐसे थोड़ा क्लासी वेस्टर्न लुक चाहिए। हाँ, तो हम इसलिए मैं इनकी डिजाइनर बनके इनके साथ चल रही हूँ। भाभी के बिना हो ही नहीं पाता, तो मैंने कहा भाभी मेरा एम ये है, अब आप उसको एम को क्या बोलते हैं, थिंकिंग को, उसको प्लानिंग बदलो। हाँ, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, हम क्या लेंगे वो। मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ क्योंकि 2 दिनों से मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, मैंने आपको बोला था कि मैं कोशिश करूँ कि जितना रेगुलर हो सकूँ, तो जैसे जैसे दिन बीत रहा वैसे वैसे शूट करके एडिट कर रही हूँ ताकि मैं रात तक इंशाल्लाह इसे लाइव कर दूँ। We'll be right back.
हम लोग पहुंच गए हैं लोखंड वाला। अभी क्या करेंगे, पहले चाय पियेंगे, पहले थोड़ी शॉपिंग करेंगे, फिर चाय पियेंगे। पहले चाय पी लेना। पहले चाय कैसी चप्पल पहन के आई हो इतनी जल्दी में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अम्मी के लिए जल्दी जो भाई के लिए अभी निकले नहीं, अंदर चप्पलें तेरा रिकॉर्ड कर दिया। अरे वाह, ये सही है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी ऑर्डर कर लिया है। मैंने क्या लिया है, वेनिला मिल्कशेक। मैंने जूस लिया है बिना शुगर। क्या नाम है इसका? गंगा जमुना। ऐसा क्यों नाम है? ऑरेंज और मौसम्बी मिक्स है तो उसका नाम अब गंगा जमुना होता है। वही जब फादर ने बोला गंगा जमुना तो मैंने कहा ये क्या है, बाद में पूछूंगी। ये सही मतलब पुरानी चीज़ है। हाँ हाँ, ये बहुत पुरानी चीज़ है। ऑरेंज एंड मौसम्बी मिक्स है तो ऑलवेज कॉल्ड गंगा जमुना। पता नहीं आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। एंड देयर इज वन मोर कॉम्बिनेशन, मुझे भी याद है एक और कॉम्बिनेशन है, अगर आप लोग को याद है तो मुझे बताइएगा। उसका भी ऐसे ही कोई बड़ा अटपटा सा नाम है। सो जब भी कोई ओकेजन आता है, जब भी कोई ड्रेसेस बनवानी होती है, मैं हमेशा एक रेफरेंस आइडिया के लिए स्नैपशॉट्स निकाल के रखती हूँ। तो आज ही मैंने निकाले हुए हैं, तो वो मैं अभी सभा को दिखा रही थी, क्योंकि अभी इसके बाद हम फैब्रिक्स लेने जाएंगे। वनीला मिल्क शेक बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको कैसे लगता है आप बताइएगा। अभी हम लोगों ने अपने अपने ड्रिंक्स पी लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपना फेवरेट भगवान कलेक्शन, और वहाँ पे हम अपनी कुछ चीज़ें लेंगे, वो आपको बाद में दिखाएंगे। भाभी यहाँ पे बात कर रही हैं, वो जिस काम के लिए कपड़े लेने आई हैं वो कम्प्लीट करेंगी। और फ्रेंड्स, जब तक मैंने सोचा यहाँ पे जो कट पीसेज होते हैं वहाँ पे मैं अपने हिजाब के लिए देख लूँ, जो थिक वाला जॉर्जेट होता है ना, इससे भी बहुत अच्छे हिजाब बन सकते हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मैंने इस बार नहीं लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। कितने प्यारे प्रिंट हैं आप देखिए, और थिक भी है और बहुत ज़्यादा खसकने वाले भी नहीं है। आप इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं, आप इनका टॉप कुर्ता कुछ भी बना सकते हैं। और ये बाकी फैब्रिक भी कितने अच्छे हैं आप देखिए, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, अभी जो भाभी की शॉपिंग थी वो हो गई है? हो गई है? Yes. बची है? नहीं, हो गई तो है। वो तो आप अप्रूवल आना बाकी शो से तो वो आप बहुत जल्दी देख ही लेंगे कैसे बना है। जब पूरा बन जाएगा फिर भाभी दिखाएंगी, अभी आप फैब्रिक दिखाओगे? मैं फैब्रिक ऐसे एकदम एक ऐसे ऐसे दिखाएंगे ताकि जब पूरा रेडी हो जाएगा कि वो बहुत अच्छे लगेंगे। काफी वक्त से भाभी ने और काफी वक्त से भाभी ने वैसे लुक नहीं किए हैं, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अब उनका वेट भी लूज हो गया तो और चार चांद लगने वाले। वैसे वो हमेशा ही अच्छी लगती है, लेकिन इतनी मेहनत कर रही है उसके लिए तो फिर और अच्छा रिजल्ट आता है। हम लोगों की चाय पियेंगे और हम लोग भी शॉपिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमने क्या। चाय एक बार टेस्ट करके देखिए, इसमें मतलब शुगर फ्री है या नहीं, तो आज आपको विदाउट शुगर फ्री या विदाउट शुगर पीनी पड़ेगी। चलो आज आप पियो, देखो बताओ इसमें है या नहीं। नहीं, इस बार उनको मतलब शुगर फ्री टैबलेट पता नहीं उनके पास है या नहीं, और उन्हें भी नहीं पता कि कैसी आई है, तो वो आप ही को पी के पता चलेगा इसमें मीठा है या नहीं। मतलब शक्कर तो नहीं है इसमें, दूसरी चखी अभी। नहीं, दोनों सेम है, दोनों में झूठी कर दूं? हाँ चलेगा। अरे हटना दोनों बिना शक्कर तो अभी कैसे पीती है यार? अभी क्या करोगे? अगर शक्कर डाले उसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं पी लूंगी, मैं पी लूंगी बिना शक्कर। हो पाएगी आसानी से तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। जब तक आएगी शरबत बन जाएगा। चलो मैं तो पी लेती हूँ। तू कैसे पीती है यार? आदत हो गई है। आपको कब आएगी शुगर फ्री? इंतजार कर रही हूँ। पी लो ऐसे। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। मुझे चाय छोड़ना मंजूर है पर मैं। अच्छा, मतलब आप नहीं पियोगे चलेगा? हाँ, है ना, इतनी चाय की शौकीन चाय छोड़ सकती है, लेकिन गंदी नहीं पी सकती। अच्छा, गुड़ वाली? सॉरी, हाँ गुड़ वाली चलेगी। गुड़ वाली पी सकती? गुड़ वाली तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत जल्दी आ गई। अभी घोलोगे कैसे? उंगली से? नहीं, हम टपरी वाले अंकल बन जाएंगे। हर चीज का जुगाड़ है आपके पास, जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी पहली नजर ये थी कितना कप है, नहीं तो मुझे लगा था ये खत्म करेगी तो मैं इसके कप।
ठंडी होगी ना, काफी ठंडी होगी। एक तो वैसे भी आप ठंडी भी भाई तो एकदम तवे से नहीं, मतलब पैन से उठाते हुए। हाँ, जब हम किसी के घर गए थे तो वो चाय आई और शुभ ने उठाई और ऐसे छोटे कप में थी, पी और रख दी और वो इसे देख रही है, भाई ठंडी थी क्या? तो शुभ ने बोला नहीं मैं गर्मी पीता हूँ। तो वो ना दो सेकंड के लिए ऐसे देखते रह गए कि हुआ क्या। अच्छा लगेगा, रियली लुक क्या कुछ बोले नहीं, नहीं ना मोबाइल आज मेरा मोबाइल मैंने चार बार इतना छोड़ा है, थैंक यू सो मच। बंद करवा के ही निकल रहे हम लोग, ये कैसे फ्रेंड्स भाभी का जीपे भी नहीं चल रहा है और इत्तेफाक से एटीएम भी बंद है। हम लोग ऑटो वाले भैया के पास अपना सामान रख के आए हैं अल्लाह के नाम पे छोड़ के, और आज इतना थक भी गए, बाकी के काम भी नहीं हुए हैं इसलिए आजमाइश हो रही है। वही अभी हम लोग एटीएम ढूंढ रहे हैं। तो फाइनली एटीएम भी मिल गया है, अभी हम पैसे भी निकल गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं घर। ये टैडी पहचानते हो ना आप, ये रिजा रेहाना और सारा ने मुझे दिया था, मुझे टैडीज बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स पता है आज अच्छे से सारा काम भी नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा वक्त निकल गया वहाँ पे। भाभी को भी अपने कोई अर्जेंट जो चीज़ें हैं उनके लिए कुछ कपड़े लेने थे, वो आप आने वाले आगे व्लॉग्स में देखेंगे। जो मुझे रूम के लिए चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिली हैं, बाकी कपड़े हो गए हैं, अभी उनकी डिज़ाइनिंग करेंगी भाभी उस तरह से, फिर हम लोग उनको टेलर के पास देंगे। जब वो बन के आएंगे आप उन्हें देखिएगा, और रूम का कैसा किया है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं बहुत जल्द। तो अभी के लिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मतलब ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा लेकिन अभी मैं सोती हूँ, और हम इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल। मैं देखो फिर अभी गिरती हूँ मैं ऐसे ही, फ्रेंड ऐसे ही गड्ढे में मेरा पैर हो गया था। अभी मैं हील पहनती नहीं, अभी मैं एकदम फ्लैट पहन के चल रही हूँ। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कल कुछ चीज़ें नहीं ले पाए थे, इसलिए हम यहाँ पास वाले मॉल जा रहे हैं, अम्मी जा रही है हमारे साथ, सुहान जा रहा है। और देखो अम्मी और मैंने एक जैसे कपड़े पहने, मतलब एक कलर के मैंने पहले निकाले थे, बाद में मेरे देख के अम्मी ने निकाला है ना। कोई बात नहीं, पहले वो निकाले मैंने, बात तो लिखी हो गई ना। हाँ, तो हम लोग पिंक पहने, पिंक और वाइट बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। तो चलो फ्रेंड जो भी लेंगे वो आपको आके दिखाते हैं। मतलब 7000 का लेंगे तो फिर ये मिलेगा। अभी हमने 6000 का ले लिया है, 6500 अभी आपका हुआ है। अच्छा, वो ले लो कोई बड़ा, पहले तो आप कह रहे थे 7000 कोई बड़ा फूल ले लो, स्टोर में रख दो। वो हमें घाटे का सौदा हुआ है, सही हुआ। उन्होंने बोला अभी हमने 6500 का लिया, अगर हम 7500 का लेंगे मतलब 1000 का और, तो हमें 1500 का टोस्टर फ्री मिलेगा। ये सही है या नहीं? सही है। हाँ, आप लोग बताओ ये घाटे का सौदा या फायदे का? इससे महंगा मत कराइएगा भैया, मुझे उसी के आसपास चाहिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं घर, और आप देखना रिजा कितना खुश हो जाएगी ये चीज देखकर। कौन सा ये कैसे सो रहा है कदर? इधर देखो क्या क्या लाए, देखो ये क्या क्या लाए। क्या किसके लिए है? अरे घर के लिए चाहिए है। वो देखो, अच्छा फ्लावर पॉट, ये डब्बे में, ये अरे ये डब्बे में, इसमें क्या है? अच्छा वो तुम तो कह रही थी ना, लेकिन तुम्हारी किस्मत से ये मतलब ऑफर में मिला। अच्छा खोल के देखना फिर करना, अभी रख दो चलने वाला। वाओ कितना अच्छा। ये कह रही थी ना मम्मी इसकी किस्मत से यार यही मिला, कुछ और भी मिल सकता था, कुछ और चीज थी। उन्होंने कहा टोस्टर दे, मैंने कहा चलो ठीक है फिर तो हम लोग कर ही लेते हैं, वो जैसा कह रहे हैं। अब ज्यादा टोस्ट कर करके ब्रेड बहुत सारी मत खाना। कब ट्राई करोगी?
अभी ट्राई कर लूंगी थोड़ी देर में। उसको जाना था हाँ। तो इसके बदले मेरे हाथ चले गए उसको बदले को दे दिया। अब टोस्ट करके खाना फिर दिखाना। अच्छा अब पता नहीं ये ऑफर में मिला है दो दिन बाद खराब ना हो जाए। सबसे पहले मुझे सेट के देना। चलो ठीक है फिर करेंगे। हाँ अरे ब्रेड मंगाओ, इधर ब्रेड मंगा के हमें देना चाय।